वो जो ट्यूशन क्लास चलाते तो 500 हिंदू बच्चों को आज तक उन्होंने नौकरी पे लगाया, ऐसे सेकुलर इंसान है। सुना गांव के अंदर आवाज गुंज चल रही है कि उनके जरिए मेरा बेटा महापौर बन जाए, यानी आमदार की झोपड़पट्टी को निकाला जाए, किले की झोपड़पट्टी को निकाला जाए। वहां पर नीतीश राणे और जातिवाद संगठनों के लोग दौरा करते हैं, भिड़े गुरु जी का उनके अंदर तो डाका के कानून में, देवद्रोही के कानून में अटक कर रखी है होटल को, जो मर्द होते हैं जिनका मर्द का कलेजा होता है। हमारा तो ऐसा है नहीं कि मच्छी बाजार में मैक्सी उठा के भागने का तो इतिहास नहीं हमारा, झंडा नहीं रहेगा, सिर्फ बीजेपी का झंडा रहेगा, इनके अब बकरा जगह रहेगा। ये मंत्री के गुलाम है, तलवे चाटने वाले है और आज भी तलवे चाट रहे हैं, और वो ये चाहते थे कि इसको परमिशन नहीं मिले। और रात में व्हाट्सएप पे कितने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया मैसेज, जाओ मत, 12 नवंबर जैसा हाल होगा, जाओ मत, पता है इस डाल पे कभी उस डाल पे कभी उस डाल पे, है ना, फिर कभी बीजेपी को वोट देने का राज्यसभा में तो कभी राज्य से। आज हिंदू मुस्लिम एकता मार्च आज हम लोग करेंगे, इसीलिए आज हम सब यहाँ पर जमा हुए। ये 2 दिन पहले हम लोगों को ऐलान करना पड़ा, आज जहां हमारा अपना मोर्चा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू आक्रोश मोर्चा दूसरी तरफ निकला है। और पहली मर्तबा इस मालेगांव शहर में ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के नीतीश राणे एमएलए और फिरका परस्त तंजीम जातिवाद संगठनों के महाराष्ट्र के पदाधिकारी आज मालेगांव शहर में आकर उस मोर्चे की क्यादत कर रहे। आप लोग और ये शहर, इस शहर का पुलिस डिपार्टमेंट इस बात का गवाह है कि 2 साल से ये रमजान महीने रहे, उससे पहले रमजान महीने से मालेगांव शहर का वातावरण लैंड ऑर्डर दो समाज को लड़ाने की शुरुआत कोशिश की जा रही है। पिछले रमजान महीने में इसी रोड के ऊपर गढ़ की यात्रा 50 वर्षों से जा रही होगी, लेकिन किसी के भी बाल को धक्का नहीं लगा, जबकि मुस्लिम भाई उनका इस्तकबाल करते, उनको पानी पिलाते, उनको खाना नाश्ता देते रहे। लेकिन जानबूझकर गढ़ का रथ का इस्तकबाल करना, डरे गांव पहुंचना, 40 गांव फाटे पे पहुंचना और मंत्री का लड़का खुद उनको लाने के लिए जाता है और इसी रास्ते से गुजरता है और गलत सलत मुस्लिम समाज के खिलाफ में नारे लगाने की शुरुआत उन्होंने जब से की। ये रमजान महीना अफ्तार के वक्त, तरावी के वक्त भी वैसे ही हालात से उससे खतरनाक हालात थे। अगर हम लोग ये शहर के आवाम और इस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट अगर हिकमत अमली से उन लोगों को वो रब और वो जुलूस को अगर पार नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था इस शहर के अंदर। और आपने देखे कि कई दुकानों की तोड़फोड़ भी की गई, वो भी रिकॉर्ड पर है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बार बार गौ रक्षा के नाम पर चाहे कुरैशी हो चाहे मुस्लिम समाज के लोगों को मारहान करना, मॉब लिंचिंग करना, या मंत्री खुद, बड़े अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र के मंत्री, नासिक जिले के पालक मंत्री दादा भूसे साहब
खुद गौरक्षक बन गए। जबकि मंत्री जब शपथ लेता है, हल्फ लेता है, तो वो संविधान को के ऊपर हाथ रखकर ये हल्फ लेता है कि मैं सब समाज सब धर्म को साथ में लेकर चलूंगा। लेकिन सहयोग होटल के पास में मंत्री खुद जानवर की गाड़ी रुकाते हैं, ड्राइवर को मारते हैं और वो गाड़ी को जमा करते हैं। उसके बाद एमएचई कॉलेज में करियर गाइडेंस का प्रोग्राम होता है, एजुकेशन का प्रोग्राम होता है, जो पुणे के स्कॉलर अनीस कुट्टी साहब आए, वो जो ट्यूशन क्लास चलाते हैं, तो 500 हिंदू बच्चों को आज तक उन्होंने नौकरी पे लगाया, ऐसे सेकुलर इंसान है। वहां पर क्या उसको रूप दिया गया कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रोग्राम रखा गया। ऐसे हालात वक्त पे बिगाड़ने की कोशिश जातिवादी संगठनों के तरफ से कुछ लोगों पर की गई, कुछ लोग जानबूझ के शहर का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो मोर्चा निकला, क्या मुतालबा, किले की झोपड़पट्टी को निकाला जाए, किले की झोपड़पट्टी को निकाला जाए। वहां पर नीतीश राणे और जातिवाद संगठनों के लोग दौरा करते हैं, उनके कार्यक्रम में लिख के आता कि हम पानी करने जा रहे अतिक्रमण का। कलेक्टर पानी कर सकता, मंत्री पानी कर सकता, अधिकारी दौरा कर सकते, दूसरे शहर का एमएलए कैसे दौरा कर सकता, क्या उनको कानूनी हैसियत है? और ये बोल के बोला गया कि 10 दिन के अंदर अतिक्रमण निकलना चाहिए। मुझे बताओ, क्या ये वातावरण खराब करने की कोशिश नहीं है क्या? उसके बाद बोले धर्म परिवर्तन का, उसके बाद गौरक्षा के ऊपर हत्या हमले हो रहे, इस तरीके का मुद्दा निकालकर मोर्चा निकाला गया। जबकि डिपार्टमेंट को भी समझता है, उनको तो परमिशन नहीं देना चाहिए था पुलिस डिपार्टमेंट ने। हम तो यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता मार्च निकाले, संदेश दे रहे हमने का शांति का, आज हमको परमिशन नहीं दी गई, उनको परमिशन दी गई। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का कसूर नहीं मानता इसके अंदर, ना एडिशनल एसपी, ना डीवाईएसपी, ना पुलिस डिपार्टमेंट का कसूर ही नहीं है हमको परमिशन इनकार करने का। उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। असल में ये शहर का एमएलए जो मंत्री है दादा भुसे साहब और पालक मंत्री, वो सबसे पुलिस पर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाकर हमारा परमिशन रद्द करने का काम किया गया, दबाव बनाकर। लेकिन हमने ऐलान किया कि हम मोर्चा निकालेंगे और आज हम यहां जमा हुए। शेख रशीद साहब की क्यादत में अभी मोर्चा निकलेगा उनके भाषण के बाद। एहतजाज करने वालों के अंदर दम होना चाहिए, और जो एहतजाज करता, अरे वो तो आग लगाने वाले हैं जिनका मोर्चा निकला, चाहे यहां जितने लोग, हम तो आग बुझाने वालों का। जो लोगों ने आज मोर्चा, हिंदू आक्रोश मोर्चा निकाले, वो आग लगाने वाले हैं, हम तो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। और आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाता है इतिहास में, तारीख में, और वही लोग मोर्चा निकालते, सरकार की आग में आग डालकर बात करते, डिपार्टमेंट से आग में आग डाल की बात करते, और हक पर बोलते, संविधान पर बोलते, एकता पे बोलते, जो मर्द होते हैं, जिनका मर्द का कलेजा होता है। हमारा तो ऐसा है नहीं कि मच्छी बाजार में मैक्सी उठा के भागने का तो इतिहास नहीं हमारा। और ये मीर जाफर और मीर सादिक लोग हैं, ये मोर्चे को परमिशन नहीं मिले, ऐसे लोगों ने भी ताज्जुब के बाद अफसोस के बाद साथ में बोलना चाहता हूं कि ये मंत्री के गुलाम है, तलवे चाटने वाले हैं और आज भी तलवे चाट रहे हैं,
और वो ये चाहते थे कि इसको परमिशन नहीं मिले। और रात में व्हाट्सएप पे कितने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया मैसेज, जाओ मत, 12 नवंबर जैसा हाल होगा, जाओ मत। पता है हमको आपने क्या क्या किया, ये शहर देख रहा है। लेकिन हम ये शहर को झुकने नहीं देंगे, ये शहर को किसी के कदमों के अंदर गिरने नहीं देंगे। ये शहर का हमेशा इतिहास रहा तहरीकी शहर, और हम ये शहर को हमेशा गर्व के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे फिरका परस्तों से और ऐसे मीर जाफर और मीर सादिकों से हम कभी डरने उड़ने वाले नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे भी जिस अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने आइंदा अगर ऐसे लोगों को परमिशन दिया, ऐसे लोगों को अगर साथ देने का काम किया, तो ये शहर का इत्तेहाद नहीं रह पाएगा। ना पुलिस संभाल सकती, ना हमारे जैसे सेकुलर हिंदू भाई, ना मुसलमान संभाल सकते। तो आइंदा पुलिस ने ये बात को ध्यान रखना चाहिए, और पुलिस ने ईमानदाराना तौर पर इंसाफ का काम करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट आइंदा ऐसा नहीं करेगा। दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी विनती है, अभी हम तो मेमोरेंडम देंगे, लेकिन ये 2 साल की सकुल चौकसी होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, इनके पीछे किसका हाथ है। पिछले रमजान से ये रमजान तक और ये रमजान से लेके एमएचई कॉलेज तक की घटना, इसका किसका हाथ है, कौन कौन संगठन है, कौन कौन वो नौजवान है, उनके पीछे किसका हाथ है। और मंत्री, अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि रेस्ट हाउस में मंत्री ऐसे आरोपी मुजरिमों के साथ बैठकर उनकी वकालत कर रहा था, और डिपार्टमेंट के लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे। शहर ने देखा, वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। अगर शेख आसिफ गलत करता है तो उस पर भी गुना होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उस पर भी गुना दाखिल होना चाहिए। अगर इस शहर का अमन रखना है, इतना मुझे बोलना है। और अभी एक मुकर्रर और कोई बोलेगा, उसके बाद शेख रशीद साहब बोलेंगे, और उसके बाद ये मोर्चे की शुरुआत होगी। दोस्तों, आए हुए सभी अमन पसंद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मालेगांव के अंदर एक जयंती के लिए, अमन के लिए, ये हमारी अमन रेडी आज निकलने जा रही है, अमन मार्च क्यों निकलने जा रहा है। जैसे हमारे देश के अंदर हमारे बुजुर्ग रहनुमाओं ने हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, उनके साथ के रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जौहर और वल्लभ भाई पटेल जैसे जितने भी ऐसे हमारे उस जमाने के उनकी समिति के लोग थे, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया हम लोग के तरीके से, और संविधान भी लिखा। आज ये संविधान बचाओ एक जैसी आपस के अंदर भाईचारा की ये रैली है। कुछ लोग इस देश में, इस महाराष्ट्र में, इस शहर में अमन खराब करना चाहते हैं, और उसका ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप हम मिलकर के आज की ये हमारा अमन मार्च जो यहां से निकल के गांधी जी के स्टेचू यानी पुतले तक जाएगा। पुलिस ने जो काम किया है एक तरफा परमिशन देके, और हमको परमिशन नहीं देकर के, जो मैं टीवी चैनल में न्यूज सुना हूं कि हमारी रैली को परमिशन नकार दिया है, लेकिन हमारा ऐलान था कि आप परमिशन दो ना दो, अन्न की रैली, भाईचारा की रैली ये निकल के रहेगी, और हम यहां इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आज आशी भाई ने भी बताया, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिछले 2 साल पहले से मालेगांव शहर के अंदर वातावरण खराब किया जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे, आज बीजेपी के अंदर नीतीश राणे और कुछ
जो हमारे गांव शहर के अंदर जो ऐसे कुछ आसपास के लोगों को बुला करके जो महाराष्ट्र के कुछ घटना घड़ाने वाले लोग हैं, जो शहर के और महाराष्ट्र के और नासिक जिले के और महाराष्ट्र के वातावरण को खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे आए। और आज जवाबदारी थी मालेगांव के एमएलए की, आज जवाबदारी थी मालेगांव के और नासिक जिले के पालक मंत्री दादा भिसे साहब की, के ऐसे दिन मालेगांव रहे थे। मुझे रिपोर्ट लगी है कि वो यहाँ से रात में ही फरार हो गए, मंत्री रात में ही फरार हो गए। इसलिए जो वो चाहते हैं कि मालेगांव आग में झुलस जाए, आग में जल जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, ऐसा उसका मकसद है। दादा दूसरे का पालक मंत्री का जवाबदार इंसान है। पिछले दो साल से कभी अमन कमेटी की मीटिंग, हिंदू मुस्लिम एकता की मीटिंग उन्होंने नहीं बुलाई, ना अमदर ने बुलाई ना पालक मंत्री ने बुलाई। दोनों मिले जुले हैं, दोनों चाहते हैं कि मालेगांव का वातावरण खराब हो जाए, लेकिन अन्न पसंद हिंदू मुस्लिम से किसाई चाहते हैं कि मालेगांव के अंदर अमन कायम रहे, और इंशाल्लाह आप हम सब मिल करके इसको अमन को कायम रखेंगे। दोस्तों असल में पालक मंत्री क्या पड़ी है मालूम है? चार पांच दिन के बाद जो मैं सुना हूँ न्यूज के चैनल के जरिए कि मंत्री पद का विस्तार होने वाला है, उनको डर है कि मुझे टच्चू ना लगे, इसके लिए पहले के पहले रात में भरा। मालेगांव भले चलता है जल जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं लड़ जाए, ये पालक मंत्री और मिला जुला थोड़ा सी हमारे एमएलए साहब का भी संबंध है, वो भी चाहते हैं कि उनके जरिए कल मेरा बेटा, मैं सुना हूँ गांव के अंदर आवाज गुंज चल रही है कि उनके जरिए मेरा बेटा महापौर बन जाए, यानी आमदार टैक्स कर देगा, यह समझिए अच्छी बात है। सत्ता में कोई भी आ सकता है, बन सकता है, बैठ सकता है ना, पार्टियां बदलते हैं, है ना, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे कभी उस डाल पे, है ना, फिर कभी बीजेपी को वोट देने का राज्यसभा में तो कभी राज्यसभा के लिए विधान परिषद में दे देंगे, ये तो उनका धंधा है। बहरहाल अभी नवी बात बताया आशीष पर उनके भाषण में कि रात में व्हाट्सएप के ऊपर चलाया जा रहा था कि ये नहीं जाना, ये क्या मकसद है इनका? अरे भाई हम तो ऐसे है कि किसी को रास्ते में छोड़ के भागते नहीं, अगर अभी भी पुलिस हमको जेल में डालना चाहे तो हम पहले जेल में जाएंगे, बाद में हमारे जाने वाले आएंगे, अमन पसंद लोग आएंगे। और पुलिस को मेरे पुलिस डिपार्टमेंट ने जो कुछ संभाला है शहर के अंदर पिछले दो साल से, ये मैं नहीं मारेगा कि वातावरण नहीं खराब होना चाहिए, चाहे वो हमारे डीवाई एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, जिला एसपी हो, या अलग अलग पुलिस स्टेशन के पूरे पीआई हो, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी जवाबदारी है कि शहर के अंदर हमने कायम रखना, उसके साथ हम लोग उनके साथ जुड़े थे अमन के लिए, और उनको हमसे हमेशा फायदा ये होता है कि हमारी आवाम, हमारे चाहने वाले हिंदू मुस्लिम भाई ये शहर को अमन याद रखते हैं। और इसीलिए आज हम लोगों ने ये एक खेती का एकात्मता का अमन का पैगाम देने के लिए जो मालेगांव शहर का वातावरण खराब करने लोग आ रहे हैं मालेगांव के अंदर, क्या समझे, जो एक बात बोली गई कि बुलडोजर चलाया जाएगा यहाँ, वो एक बीमा कोरेगांव के, अभी चार पांच दिन पहले मैं न्यूज में देखा कि उन्होंने इस आजाद हिंदुस्तान को जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उस टाइम के बुजुर्गों ने ये गोरे अंग्रेजों को भगाया, उनसे आजादी दिलाई और हमारा देश स्वतंत्र बना, और हमारे जो झंडा है तिरंगा वो स्वतंत्र की आजादी की निशानी, वो वीरे गुरु जी, वीरे गुरु जी, वीरे गुरु जी ऐसा बोलते हैं कि स्वतंत्र कोई जरूरत नहीं है, झंडा फैलाना नहीं चाहिए, झंडा लहराना नहीं चाहिए, निषेध करता हूँ वीरे गुरु जी का, उसके अंदर तो डाटा के कानून में, देवद्रोही के कानून में अटक करना चाहिए होटे को, और उसके साथ क्यों हो गए जो इस तरीके की बात करता है कि हमारे आजाद मुल्कों को बोलता है, हमारे राष्ट्र ध्वज को बोलता है कि लहराना नहीं और आजादी मनाने की कोई जरूरत नहीं। अभी मैं सुना नीतीश राणे ने बोला है कि अब देश के अंदर
कोई झंडा नहीं रहेगा, सिर्फ बीजेपी का झंडा रहेगा। इनकी अब बकरा जगह रहने का मोदी जी का है ना, आज अपनी जगह। लेकिन जब संविधान की कसम खाता है इंसान, और जब पीएम सीएम अगर बनता है, मंत्री बनता है, तो ये कहना, ये मकसद रहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके मैं चलूंगा, सबको बराबर का इंसाफ दूंगा। खाली सत्ता लाने कुर्सी के लिए जातिवाद फैलाऊ, ऐसा नहीं रहता हूं। तो भाईवान, हम अमन पसंद लोग हैं, हिंदू मुस्लिम माने गांव के, हम ये शहर के अंदर अमन ही रहने देंगे, यही हमारा मकसद है, और इसीलिए हमारा ये जुलूस आगे बढ़ेगा। बस 5 मिनट के बाद, जब तक जरा विठल भाई।